सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोविक क्रांच चैनल को और बेल आइकन बजाइए ऑल कीजिए लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, टेक्नोविक क्रांत में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको Realme UI 3.0 के अप्रैल मंथ के अर्ली एक्सेस सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में बताऊंगा और ये अपडेट किन किन डिवाइसेस को कब तक Realme UI 3.0 का अर्ली एक्सेस अपडेट देखने को मिलेगा और इसके लिए कौन कौन से रिक्वायर्ड वर्जन लगेगा और इस अपडेट के बाद कौन कौन से बग्स देखने को मिलेगा, सभी कुछ बताने वाला हूँ दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर Realme वालों ने Q1 के ऑफिशियल रोडमैप के अनुसार जिन जिन डिवाइसेस को मार्च मंथ में अर्ली एक्सेस अपडेट देखने को मिलना था उसको Realme वाले ऑफिशियली प्रोवाइड करवा दिया है। अब दोस्तों बात आती है अप्रैल मंथ में किन किन डिवाइसेस को अपडेट देखने को मिलना है। तो यहाँ पर Realme के Q2 के ऑफिशियल रोडमैप के अनुसार अप्रैल मंथ में Realme 8 5G, Realme 8S 5G एंड Realme Narzo 30 5G को Realme UI 3.0 का अर्ली एक्सेस अपडेट जो है देखने को मिलेगा। अब दोस्तों बात आती है इन सभी डिवाइसेस में कब तक ये अपडेट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं डेट बताऊंगा वो एक्सपेक्टेड डेट है, अनऑफिशियल डेट है, लेकिन दोस्तों जितने भी मैं अपने सोर्स से पता किया हूँ तो वही डेट सामने निकल कर आया है। तो यहाँ पर अप्रैल 2022 में सबसे पहले डिवाइस की बात करें तो Realme 8S 5G को सबसे पहले देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों Realme 8S 5G को मार्च के मंथ में ही फर्स्ट बैच अपडेट जो है देखने को मिल चुका है। अब सेकेंड बैच अपडेट जो है अप्रैल में देखने को मिलेगा, जो कि हमें 20th अप्रैल से 25th अप्रैल के बीच में हमें Realme 8S 5G को Realme UI 3.0 का सेकेंड बैच अर्ली एक्सेस अपडेट जो है देखने को मिलेगा। इसी के साथ Realme 8 5G एंड Realme Narzo 30 5G को 25th अप्रैल से 30th अप्रैल के बीच में हमें Realme UI 3.0 का अर्ली एक्सेस अपडेट जो है देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर बात की जाए इसके रिक्वायर्ड वर्जन की, तो यहाँ पर Realme 8S 5G के लिए 8.10 का करेंट रोम वर्जन होना जरूरी है, तभी आपको अर्ली एक्सेस अपडेट जो है देखने को मिलेगा। इसके अलावा Realme 8 5G एंड Realme Narzo 30 5G के लिए 8.14 का करेंट रोम वर्जन होना जरूरी है, तभी आपको इन दोनों डिवाइसेस में Realme UI 3.0 का अर्ली एक्सेस अपडेट जो है देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बात आती है इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले जाना होगा फोन के सेटिंग में, फिर नीचे की साइड में सॉफ्टवेयर अपडेट में, और सॉफ्टवेयर अपडेट में जैसे ही जाएंगे तो ऊपर के राइट कॉर्नर में आपको छोटा सा सेटिंग का आइकन देखने को मिलेगा, उसको क्लिक करना है, फिर ट्रायल वर्जन अपडेट में जाना है। जैसे ही ट्रायल वर्जन अपडेट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको अर्ली एक्सेस फॉर्म जो है देखने को मिल जाएगा, और वहाँ पर अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस डालकर नीचे की साइड में टर्म्स एंड कंडीशन का छोटा सा चेक बॉक्स दिया होगा, उसको चेक करके सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट होकर अंडर रिव्यू में चला जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ देर वेट करना पड़ेगा, जैसे ही फॉर्म अप्रूव होगा आपको अपडेट जो है देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों बात आती है बग्स की, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो अर्ली एक्सेस अपडेट है ये फर्स्ट ट्रायल वर्जन अपडेट रहेगा, जहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा बग्स देखने को मिलेगा, जैसे कि काफी ज्यादा बैटरी ड्रेनिंग, हीटिंग इशू, कैमरा लैगिंग इशू, ऐप क्रैशिंग इशू, ऐसे बहुत सारे बग्स देखने को मिलेगा। तो अगर दोस्तों आप इन सभी बग्स को इग्नोर कर सकते हैं तभी आप ट्रायल वर्जन अपडेट को इंस्टॉल कीजिएगा, नहीं तो दोस्तों आप कुछ दिन वेट कीजिएगा, आपको बीटा वर्जन देखने को मिलेगा जो कि ट्रायल वर्जन से थोड़ा अच्छा देखने को मिलेगा, और नहीं तो दोस्तों आपको लास्ट में स्टेबल अपडेट तो देखने को मिलेगा ही, जो कि ट्रायल वर्जन और बीटा वर्जन से काफी ज्यादा बग फिक्सेस के साथ देखने को मिलेगा, आई मीन 90% बग फिक्सेस के साथ स्टेबल अपडेट जो है देखने को मिलेगा। तो अगर दोस्तों आप टेस्टिंग पर्पस के लिए ट्रायल वर्जन इंस्टॉल करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर बग्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं तो बिल्कुल भी ट्रायल वर्जन को अपडेट मत कीजिएगा।
तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको सारे कुछ जानकारी दे दिया है। फिर भी दोस्तों आपके मन में कोई भी सवाल हो, डाउट हो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।